हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम अब संज्ञा की बात हो रही है, आज हम सर्वनाम की बात करेंगे। हमारा आज का वीडियो क्या है? सर्वनाम पर। ठीक है, तो संज्ञा हमारा खत्म हो चुका है। हम भिखारी शब्द देख रहे थे, तो उसका दूसरा भेद जो क्या है? सर्वनाम। तो हम सर्वनाम की बात करते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसे पहचान किया जाती, तो आप कैसे उसे पहचान सकते हो कि सभी एग्जाम में सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होते हैं। संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या बताया? संसार की सभी वस्तुएं यानी नाम, सबके नाम होते हैं, तो नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है यानी जितने भी नाम हैं, नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जितनी भी जो भी नाम है उसके स्थान पर, जैसे कहा राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो राम के स्थान पर वह का इस्तेमाल, वह का प्रयोग किया गया है ना। राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो वह बाजार जाएगा, तो ऐसे भी हो जा रहा है कि वह बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा, यानी राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। यही है यानी संज्ञा के स्थान पर वह, यह। ठीक है, जैसे सीता खाना खाती है तो आप क्या कहोगे? वह खाना खाती है, या वह जाता है, राम जाता है, ऐसा। ये हमारा क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब जैसे मैं, तुम, यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है मैं, तुम, वह, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। ठीक है, इसे हम यानी नाम से, जैसे संज्ञा के स्थान पर इसे प्रयुक्त किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद की बात करते हैं, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैंने संज्ञा के भी बताए, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये देखिए। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और तीसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के भेद हैं। आपको इन्हें याद रखना होगा कि कौन कौन से हैं, कौन निजवाचक है, कौन सा निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हमारे भेद हैं और 6 भेद होते हैं। ठीक, तो अब हमारा जो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इस सर्वनाम की बात करते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी पहचान कैसे की जाती है? देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मैं ऐसे अपना नाम है, मैं, हम, तुम, यह, वह, आप, ये, वे, ये सब क्या हुए? हमारा किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, यानी अपनी बात कर रहा है, तो उसे कौन सा कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसी स्त्री या पुरुष का बोध कराता है। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल्स लिखी हूँ आपको। यहाँ देखिए एक मैं पढ़ता हूँ, वह अध्यापिका है, तो किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे ना? किसी व्यक्ति के लिए हो रही है बात, हो रही है मैं पढ़ता हूँ, वह अध्यापिका है, तो हमारा कौन सा बना है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्यम पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। मैं बता रही हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखिए उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी एग्जाम हो आता ही आता है इससे क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष की हम पहचान कैसे करेंगे? देखिए, हमने यहाँ लिख भी रखा है, मैं ये नहीं बताऊंगी बताई हूँ सिर्फ कि मैं और हम होते हैं, लेकिन कैसे आप, अगर सभी बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है कि उनके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, यानी मैं बोल रही हूँ तो उत्तम पुरुष हूँ, ठीक है, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब दूसरा देखिए, नहीं पहले इसमें देखिए, मैं हम, उत्तम पुरुष में पूछेगा मैं और हम दे दिया, ठीक है, या इसमें से मैं दे दिया तो वो ऑप्शन आपको देखे देगा, पूछेगा उत्तम पुरुष बताइए, तो उसमें मैं भी दिया रहेगा, तुम भी दिया रहेगा, यह वे ऐसा दिया रहेगा, और पूछेगा ये कि उत्तम पुरुष बताइए कौन सा उत्तम पुरुष है। तो आपको ये दोनों याद होनी चाहिए कि मैं और हम, यानी अपनी बात हो रही है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी अपनी बात जो मैं और हम होते हैं वो क्या है, हमारा उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं वकील हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसका ले लीजिए, मैं वकील हूँ, हम मजदूर हैं, हो रहे हैं ना, हम मजदूर हैं, मैं वकील हूँ, तो ये हमारा मैं और हम क्या हुआ, ये उत्तम पुरुष हुआ। तो इसे आप याद रखिएगा, हम अगर दे देता है, हम नहीं देगा, जैसे उत्तम पुरुष दिया रहेगा कि उत्तम पुरुष बताइए, तो हम दे दिया रहेगा, आप दे दिया रहेगा, यह दे दिया रहेगा, वे दे दिया, अब उसमें से पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष बताइए, तो हम क्या है, हमारा उत्तम पुरुष। इसे आप जरूर, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष की बात करते हैं, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। मैंने कहा ना, बोलने वाले यानी मैं थी, मैं क्या थी, उत्तम पुरुष, अब क्या हुआ, मध्यम पुरुष की, यानी सुनने वाले, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए, ठीक है, मध्यम पुरुष हुए ना, ये आप मध्यम पुरुष हुए। तो क्या है उसमें, जैसे देखिए, तू, तुम, आप, इसमें आ रहा है तू, तुम, आप, अगर उसने पूछा तुम दे दिया है, ठीक है, और यह दे दिया है, वे दे दिया है, और मैं दे दिया है, अब उसमें पूछ दिया आपको कि मध्यम पुरुष बताइए इसमें से कौन सा है, तो आपको एक टिक करना होगा, तो कौन सा टिक आप करोगे, तुम पर टिक करोगे, मध्यम पुरुष हमारा क्या हुआ, तुम, तो ये हमारे तीन है, तू, तुम, आप इसे जरूर कंप्लीट एकदम याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो एक बार और ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, आपके नंबर हाथ से नहीं जाने पाए, क्योंकि ये तो नंबर आपके हाथ में है तो जा भी कैसे सकता है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, तो ऐसा होगा नहीं कि आपका नंबर जाए मेरे साथ होने के बावजूद। तो ठीक ही देखिए, ठीक है, तो मध्यम पुरुष, सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हुए। तो जैसे तुम कितने छात्र हो, ठीक, तुम कितने छात्र हो, मैं हूँ वक्ता बोली कि तुम कितने छात्र हो, तो तुम्हारा ना, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल्स भी बता दिया उदाहरण देकर कि तुम कितने छात्र हो, तो तुम मेरा आया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात करते हैं हम, देखिए, जैसे अन्य जिनके संबंध में बात कही गई हो, वह अन्य पुरुष, यानी हम तो हो गए वक्ता, मैं हम हो गए वक्ता, आप हो गए श्रोता, एक अन्य पुरुष की बात हो रही है, यानी एक तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति, यानी हम कहें वह कहाँ है, वह जाता है, ठीक है, वह कहाँ है, तो किसी के पूछे वह स्कूल है, तो बात करें ना, यानी किसी तीसरे की बात कर रही है, जब तीसरे की बात होगी तो वो हमारा क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। कैसे, जैसे यह, ये, वे, वह, अब आपको एग्जाम में दे दिया, आपको वे दे दिया, ठीक, उसमें तू भी दे दिया, वे भी दिया है, तू भी दिया है, मैं भी दे दिया, हम भी दे दिया, अब आपसे ये पूछता है कि इसमें से अन्य पुरुष बताइए, तो आप क्या करोगे, वे पर टिक करोगे, क्योंकि वे क्या है, हमारा अन्य पुरुष है। बार बार मैं इसे आपके लिए कह रही हूँ कि आप इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, बड़ा हो छोटा, सब में पूछते हैं ये, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये क्या है, वे, जो हमारा अन्य पुरुष है, यानी क्या कह सकते हैं, वह कहाँ है, यानी तीसरे की बात हो रही है, तो ये हमारा अन्य पुरुष हुआ, तो हमारा ये मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मुझे उम्मीद होता है कि ये जो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरा सर्वनाम का पहला भेद था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हाँ, मैंने लिखा हुआ मैं, हम,
तुम, ये तो सारा मिक्स है, इसमें अन्य, उत्तम, मध्यम तीनों मिक्स है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, इस तरह से अलग में करके बताई हूँ, इसके तीन प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, मध्यम, उत्तम, अन्य। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वो भी पूछेगा, मैं एग्जांपल्स भी आपको देकर बताई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर हमारी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस चलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे लिंक दिया हुआ है और नंबर भी है, और अधिक जानकारी के लिए उसी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा भेद है, निश्चय वाचक सर्वनाम पर चलते हैं। एक वीडियो ये हो गया, दूसरा दूसरे में चलेगा, ये एक ही रहेगा। तो धन्यवाद मित्रों, नहीं बोल दे, बोल दे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निश्चय वाचक। आज हमारा जो ये पुरुषवाचक है कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में निश्चयवाचक सर्वनाम में को देखेंगे कि कैसे हम उसे भी पहचानते हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नहीं वक्त, तुम हंस रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हैं मित्रों, जय भारत। डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, ठीक है। आज हमारा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया, हम अब नेक्स्ट टॉपिक यानी उसके दूसरा भेद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।